हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग न्यूज़ हिंदी वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आयोनिक रिएक्ट क्या है। आज कुछ अनाउंसमेंट हुआ है रिएक्ट आयोनिक के नाम से, जो कि आयोनिक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट स्लाइड। सो सबसे पहले ये आयोनिक ने अनाउंस क्या किया ये देख लेते हैं। टुडे वी आर थ्रिलिंग टू अनाउंस अ जर्नल अवेलेबिलिटी ऑफ आयोनिक रिएक्ट, अ नेटिव रिएक्ट वर्जन ऑफ द आयोनिक फ्रेमवर्क दैट मेक इट ईजी टू बिल्ड द एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉयड, iOS एक्सेट्रा। ओके, सो आयोनिक ने आज अनाउंस करा है कि वो एक आयोनिक रिएक्ट फ्रेमवर्क रिलीज कर रहे हैं, और ये एंड्रॉयड, iOS, डेस्कटॉप और प्रोग्रेसिव वेब ऐप डेवलप करने में हेल्प करता है, ऑब्वियसली, ठीक है। सो अब अगर आपको पता हो कि आयोनिक क्या है, अगर आपको नहीं पता देन डोंट वेरी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको पता है तो आपको बेसिकली पता होगा कि जो आयोनिक होता है वो एंगुलर के साथ में काम करता है, रिएक्ट के साथ में काम नहीं करता एक्चुअली, ठीक है। सो उसको अब आयोनिक की जरूरत क्यों पड़ी है, रिएक्ट नेटिव ऑलरेडी मार्केट में है तो आयोनिक रिएक्ट क्यों आया है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सो अगर आप न्यू हैं इस एरिया में तो क्वेश्चन ये आता है कि आयोनिक होता क्या है। सो आयोनिक एक्चुअली SDK है, और जो ये भी कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क है, और जो हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम आता है, जिससे इसका मतलब है कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन और iOS एप्लीकेशन एक साथ बना सकते हो, सेम कोड से बना सकते हो, ठीक है। सो अब वो एक्चुअली पहले जब आयोनिक काम करता था वो एंगुलर के साथ काम करता था, बट नाउ दे आर वर्किंग विद द रिएक्ट, एंड व्हाई। सो जिसका क्वेश्चन अब यहाँ है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अब जब आयोनिक रिएक्ट के साथ में काम नहीं करता था पहले, एंगुलर के साथ में काम करता, तो अब क्या जरूरत पड़ी है कि वो रिएक्ट यूज करने लग गए हैं, ठीक है। जैसे कि इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, वी आर नोन प्राइमरली एज एन एंगुलर फोर्स्ड ऐप फ्रेमवर्क, कि हम एंगुलर फोर्स्ड ऐप फ्रेमवर्क के जैसे जाने जाते हैं, बट रीजन क्या है चेंज करने का, डेवलपर्स हैव एक्सेस टू टेंस ऑफ ऑसम फ्रंट एंड फ्रेमवर्क ऑप्शंस, ठीक है। उन्होंने कहा कि डेवलपर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फ्रंट एंड के और अच्छे फ्रेमवर्क को यूज करने के, ठीक है। एंड रिएक्ट इज बेस्ट वन ऑफ देम, ठीक है, रिएक्ट के उनके अंदर से बेस्ट एक है, ठीक है। वी रिविजिट अवर ओरिजिनल विजन एंड रियलाइज दैट बिल्डिंग अ वर्जन ऑफ आयोनिक फ्रेमवर्क फॉर रिएक्ट मेड परफेक्ट सेंस, ये कह रहे हैं कि हमने हमारा जो ओरिजिनल विजन था उसने हमको फिर से सोचा, एक बार समझा, और हमें पता चला कि रिएक्ट परफेक्ट सेंस बनाता है आयोनिक फ्रेमवर्क के साथ में, इवन मच बेटर टू द एंगुलर ऑल्सो, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है। और ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है, और एक्चुअली रिएक्ट अच्छा, उससे फास्ट भी होता है, इसकी कम्युनिटी भी अच्छी है और ईजी भी है एंगुलर से, क्योंकि ये बहुत छोटी लाइब्रेरी है एज कम्पेयर टू द एंगुलर, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन आता है कि रिएक्ट नेटिव के पास ऑलरेडी एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए फ्रेमवर्क है रिएक्ट नेटिव, तो इसकी बनाने की जरूरत कहाँ पड़ती है, तो मैं बताता हूँ। जो रिएक्ट नेटिव यूज़ करता है ना, वो जब हम उसकी बिल्ड बनाते हैं तो वो iOS एंड Android का नेटिव UI कंट्रोल्स को यूज़ करता है, ठीक है। बट अब ये क्या कह रहे हैं, वी वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग दैट वॉज डोम नेटिव। डोम नेटिव मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो HTML और JavaScript होती है, ठीक है। हम जो हमने आयोनिक रिएक्ट बनाया है वो डोम नेटिव होगा, ना कि एंड्रॉयड और iOS नेटिव UI के लिए होगा, ठीक है। और सेकंड थिंग, इन्होंने एक चीज और बोली है कि मोस्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स आल्सो वांट टू यूज द डोम नेटिव डेवलपमेंट रेदर देन द एंड्रॉयड एंड iOS। वो कह रहे हैं कि जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो iOS एंड एंड्रॉयड के इन्वायरमेंट पे काम करना नहीं चाहते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स होते हैं उनके लिए कह रहा है ये, वो डोम नेटिव यूज करना चाहते हैं। यस, और ये चीज़ मैं भी फील करता हूँ, जब मैंने रिएक्ट नेटिव यूज़ करा था तो मैं भी सोचता था कि मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट 10-20% iOS और Android के लिए काम करना पड़ता था, तो वो मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये डोम नेटिव होगा तो मुझे आई थिंक 95% जो काम होगा वो मुझे HTML और JavaScript के अंदर ही करना पड़ेगा, नेटिव मॉडल्स मुझे यूज ही नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये एक बेस्ट चीज़ है, और आई एम एग्री 100% एग्री विद द लास्ट पॉइंट ऑल्सो, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आयोनिक रिएक्ट मार्केट के अंदर आया है, और मे बी ये अच्छा परफॉर्म करें इन द फ्यूचर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ न्यूज़ हिंदी में भी और इंग्लिश के अंदर भी, तो आप दोनों वॉच कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपने ओपिनियंस हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।